आप कैचटी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एचटी न्यूज में। जो लोकसभा चुनाव 2019 की रिजल्ट जो आ चुका है, उसमें जो मोदी की प्रचंड बहुमत आई है, उसके ऊपर सवाल जैसे लोग उठा रहे हैं कि मोदी सरकार कैसे आई। तो इस समय हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार जी। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिरकार गठबंधन हारा क्यों। इन्हीं सारे सवालों के साथ में जानेंगे उनसे कि किस प्रकार से जो भाजपा प्रचंड बहुमत से आई सरकार बनाई और क्यों गठबंधन हारा। बताइए अजय कुमार। नमस्कार। इसके बहुत सारे कारण रहे कि हमारा विपक्ष हारा क्यों। सबसे बड़ी बात क्या है कि विपक्ष ने ये सोचा था कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ सब लोग हो जाएंगे, सारी पार्टियां एक साथ हो जाएंगी और एक मंच पे सारे लोग दिखाई भी दिए। वो बिहार में भी था और पश्चिम बंगाल में भी था। जो अपोजिशन के बड़े बड़े नेता थे सब एक मंच पे आ गए, लेकिन ये नहीं लगता कि वो लोग जीतने के लिए आए थे वहाँ पर। हमको जो लगता है कि लोग इकट्ठे केवल इसलिए हो गए थे कि हमें अपने अपने हमने जो करप्शन किया है उससे बचना है, बचने के लिए हमें इस सरकार को बदलना है और इस सरकार को नहीं मोदी जी को बदलना है। तो आप जब सत्ता की बात करते हैं, जब आप देश के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो आप एक व्यक्ति विशेष की बात ना करें, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष केवल केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे, नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ था। सबसे बड़ा एक कारण यह भी रहा, अगर वो लोग सब लोग मिलके एक रचनात्मक मुद्दे पे आते और उनका क्या एजेंडा होता देश के विकास के लिए, अगर उसके लिए आते और एक अपने बीच से एक नेता अगर चुन लेते जो कि अगुवाई करता, जिस तरह से इमरजेंसी के टाइम पे जयप्रकाश नारायण जी ने पूरी उसको लीड किया, लेकिन यहाँ पे कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा था। केवल ये लग रहा था कि हर आज नेता अपने को बचाने के लिए सब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण यही रहा। जैसे गठबंधन बुरी तरीके से ध्वस्त रहा यूपी के साथ पूरे देश में, लेकिन क्या अगर कांग्रेस के साथ में भी गठबंधन करता तो क्या मोदी को परास्त कर पाते। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों के जो पार्टियों के एजेंडे थे कॉमन एजेंडा नहीं था। दूसरा क्या था कि जो भी एक नारा होता था सारी पार्टियों का एक नारा नहीं था। राहुल जी व्यक्ति विशेष के पीछे, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गए, बोलने लगे चौकीदार चोर है। अभी तक प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहीं से कोई आक्षेप नहीं था, कोई प्रूफ नहीं मिला, और जब कहीं से कोई प्रूफ नहीं मिला और आप चौकीदार चोर हैं, तो जितनी बार वो नारे लगाते थे उतनी बार उतने ही लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के फेवर में जाते रहे। क्योंकि एक झूठ आप बोलते हैं तो सामने वाला जो होता है, एक सामान्य नागरिक है, वो ये भी देखता, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को ये मालूम है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है तो उसका कहीं सबूत तो देना चाहिए। उन्होंने एक आक्षेप और लगाया कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये दे दिए गए, जबकि राफेल में ये ऑफसेट जो होता है वो दिया जाता है, जैसे कि कंपनियों में एंसिलरी को दिया जाता है कि हम एक ऑर्डर देंगे, अगर आपका जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं क्वालिटी पास होता है क्वालिटी टेस्ट में, तभी हम आपसे लेंगे, तभी हम आपको पेमेंट करेंगे। अगर राहुल जी कह रहे थे कि 30,000 करोड़ रुपए दे दिए, तो एक प्रूफ तो देना चाहिए था, किसी बैंक में वो पैसे तो होंगे जहां से राहुल जी ने देखा। तो उनका झूठ हर जगह पकड़ा जा रहा था। चौकीदार चोर को लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी भी मांगी। ये सब कई कारण रहे कि उन्होंने मतलब झूठ बोल के, झूठे नारे लगा के पब्लिक को भरमाने की कोशिश की, लेकिन जनता सब जानती है। इसलिए अगर राहुल जी विकास के नारे देते और पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस का राज रहा, राहुल जी के पास पिछले 4 महीनों में इतना समय था कि अगर डेली एक उपलब्धि गिनाते कांग्रेस की तो शायद वो खत्म ना होती, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस की उपलब्धि नहीं गिनाई। क्योंकि सन 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ था, उस समय हमारी फौज
कपड़े के जूते पहन के लड़ाई करने गई थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने फौज को बिल्कुल बदला, सब कुछ किया, लेकिन उसको उन्होंने नहीं बताया। वो केवल व्यक्ति विशेष के पीछे पड़े रहे, सबसे बड़ा कारण यही रहा। और उन्होंने सोचा राफेल का मुद्दा अगर हम उठा लेते हैं तो अगस्ता हेलीकॉप्टर के उससे हम बच जाएंगे। मेरे एक इंटरव्यू मैंने ये भी बोला था कि इन्होंने इसको बहुत पहले उठा दिया है, क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे को बहुत पहले उठा लेते हैं तो जो आपके सामने होता है उसको बचने के लिए बहुत से रास्ते मिल जाते हैं, उसको प्रूफ करने का समय मिल जाता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और उन्होंने वही समय 4-5 महीने का दे के मोदी जी को, और उन्होंने साबित भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम कहीं से कल्प्रिट नहीं हैं और आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था। तो अजय जी, जैसे आप पूर्व सैनिक भी हैं, तो जैसे राफेल को लेकर के और सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सैनिक आहत हुआ? राफेल को लेकर मेरी बात ये नहीं समझ में आ रही थी कि कहां पे राहुल जी को घूस लेना मतलब दिखाई दे रहा था। जब दो सरकार के बीच में, एक खरीदने और एक बेचने वाले के बीच में सौदा हो रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, तो सरकार दूसरी सरकार को घूस कैसे देगी? ये एक बड़ी चीज है जो कि राहुल गांधी को समझना चाहिए था। एक आम आदमी भी ये समझ सकता है कि एक खरीदने वाला खरीदने वाली सरकार और एक बेचने वाली सरकार दोनों आमने सामने सौदा कर रही है, तो घूस का तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, देखिए मैं फौजी रहा हूं और फौज में बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, सब कुछ होता है, और हम लोगों को बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग करते हैं जो लोगों को नहीं पता चलते और हम लोगों को आपस में भी नहीं पता चलते। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुलवामा से लेके और भी क्या कहते हैं आतंकवादी हमले हुए, तो पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हमारे रहे कि जिन्होंने एक मजबूत डिसीजन लिया, उन्होंने परवाह नहीं की कि अपोजिशन क्या कहेगा और पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या कहेगा। उन्होंने एक डिसीजन लिया और फौज को बोल दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करने से पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा दबाव बना। अभी तक ये होता था कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, अगर उसके ऊपर हम कर देंगे तो वो एटम बम हमारे ऊपर फेंक देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान भी एटॉमिक पावर है और उससे ज़्यादा मजबूत है। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं स्टेप लेके सर्जिकल स्ट्राइक की, और उस पर सवाल उठाना पोजीशन का उनके लिए बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि फौज के साथ जनता का जो देश का नागरिक है वो जुड़ा हुआ है, एक सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं। अगर फौज के बारे में बुरा बोला जाता है तो एक जनता को बहुत बुरा लगता है। अपोजिशन ने फौज के बारे में बार बार बोल के फौजियों को तो उन्होंने नाराज किया ही किया, लेकिन एक आम जनता को भी उन्होंने नाराज कर दिया कि हमारी फौज पे भी उंगली उठाई जा रही है, जो दिन रात सरहद के ऊपर रहकर और हमारी रक्षा कर रही है, उनके ऊपर भी सवाल उठाने लगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसे विपक्ष ने कितने आतंकवादी मरे हैं उसकी गिनती भी मांगी, क्या ये ठीक था? इससे क्या रिलेशन रहा मोदी सरकार और विपक्ष को, क्या नुकसान? देखिए विपक्ष ये भी बोलने लगा कि हमारे सेना के लोग बहुत मर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। पहले क्या होता था, आतंकवादी आते थे हमारी जनता पे, हमारे फौज पे अटैक करके उनको मार के चले जाते थे, और उसमें एक हमारी जो जनता है, देश की नागरिक है, वो बहुत मरते थे, क्योंकि एक भी अटैक हुआ हमारे नागरिक मरते थे। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है और वो लोग छुप के आते हैं नागरिकों के बीच से, तो हमारे फौज को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे सैनिक ज़्यादा मरे। लेकिन हमारे पूरे देश में अगर आप देखें तो जो भी आतंकवादी हमले हैं वो बहुत कम हो गए, ब्लास्ट कम हो गए, हमारे सिविलियन और हमारे जो नागरिक देश के नागरिक हैं वो मरने कम हो गए, क्योंकि फौज बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। जब फौज सामने आके खड़ी होगी और सामने वाले से हमारा लड़ाई हो रही होगी तो हमारे फौजी ज़्यादा मारे जा रहे होंगे। लेकिन आने वाले समय में जब हम इनका खात्मा कर देंगे तो उस समय हम ना हमारी फौज के सिपाही शहीद हो रहे होंगे, ना हमारी जनता मर रही होगी, हमारे नागरिक नहीं मर रहे होंगे। शुरू में हमें शहादत तो देनी ही पड़ेगी किसी चीज़ को रोकने के लिए, और संख्या पूछना
ये विपक्ष का काम नहीं है। जो सारी चीज़ें होती हैं वो सदन में रखी जाती हैं, वहाँ आपके विपक्ष का नेता भी होता है, सब होता है और सब मालूम होता है। पब्लिक के बीच में ये पूछना ठीक नहीं है। एक ये भी निगेटिव गया जिससे हमारे जो विपक्ष है उसको हार का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि मोदी मैजिक, जो मोदी मैजिक रहा उसकी असल वजह क्या विकास रही? बिल्कुल विकास, क्योंकि मैं गांव-गांव में जाके हम लोगों ने इस इलेक्शन में मेहनत की। हम लोग भी फौज से हैं, हम लोग चाहते थे कि एक अच्छी सरकार बने जिस पर फौजियों का विश्वास हो, क्योंकि अपोजिशन ने देशद्रोह का कानून भी हटाने के लिए बोल दिया था और शायद उससे हमारे फौजी और मरते। इसलिए हम लोगों ने अपोजिशन का, हमारे फौजियों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि देशद्रोह, जिस देश में देशद्रोह कानून नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे देश के टुकड़े करने वाले गैंग आ जाते हैं और देश के टुकड़े कर देते और हमारे फौज के लोग मरते। इसलिए हम लोगों ने मोदी जी का भी साथ दिया और विकास का भी साथ दिया, क्योंकि विकास दिखाई देता है, जातिवाद उससे कोई मतलब नहीं है। तो अजय जी ये बताइए कि NRC और जातिवाद के नाम पर कितना क्या नुकसान हुआ गठबंधन को? NRC जो है इसको लागू करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही इसको कहा था। NRC में क्या है कि हमारे देश के जितने नागरिक हैं उनकी गिनती, उनका रजिस्टर एक होता है, नेशनल रजिस्टर होता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे घुसपैठिए हैं, जो कि बंगाल से आकर और हम लोगों के आसाम में, वेस्ट बंगाल में आके बस रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वो लोग आके वहाँ बस रहे हैं और हमारे नेता ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको 5 साल 10 साल ही सत्ता में रहना है। लेकिन अगर उनको ऐसे बसा दिया जाता है, वो विदेशी यहाँ के बसते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो आगे आने वाले समय हमारी पीढ़ियाँ मारी जाती रहेंगी। एक जरा सी गलती जो हमारे नेता कर रहे हैं कि बाहर से आए लोगों को बसा रहे हैं, NRC बनने नहीं दे रहे हैं, और वो आतंकवादी लोग जो वहाँ के मुस्लिम नागरिक हैं हमारे उस प्रदेश के, उनसे भी ज़्यादा वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी, मारी जाएंगी। केवल नेता अपने 5 साल और 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इतना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो जान रहे हैं कि अगर बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ के बसेंगे तो जो हमारे हक हैं वही मारे जाएंगे, हमारी जमीन हमारी बटेगी, हमारा राशन वो खाएंगे, हमारी बिजली, हमारे घर, सारी चीज़ों पे उनका हक बढ़ता चला जाएगा और हमारे हक कम होते चले जाएंगे। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको कि अपोजिशन समझ नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि हम बाहर से ला के लोगों को बसाएंगे और हम उनके जो वोट मिलेंगे उससे हम फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उनकी सोच गलत है, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियों को वो जिंदगी भर मरवाते रहेंगे। और ये इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जातिवाद की राजनीति कैसी रही? देखिए एक समय था लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोग अंधे होके वोट दे देते थे एक नेता के नाम पे कि ये मेरी जाति का है, मैं इसको वोट दे दूं। अब हर आदमी समझने लगा है कि 5 साल बाद नेता को आना है और मैं अपना एक वोट इनको दे देता हूँ जात के नाम पे, उसके बाद इनको आना नहीं है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप देख लें, वो जातिवाद के नाम पे लड़ रही लेकिन अपने जात वाले को भी टिकट, एक भी टिकट नहीं दिया। तो अब लोग समझने लगे हैं। अगर हम विकास की बात करें, विकास के मुद्दे को लेते हैं, तो बिजली अगर पहुँचती है उस गाँव में तो वो जाति धर्म ये सब नहीं देखती। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने गैस बांटी है तो वहाँ पे ये नहीं देखा कौन किस जात का है और कौन किस धर्म का है। सबके घर में बिजली गई, सबके घर में गैस गया। मैं मेघालय गया था, दूर दूर गांव में भी अगर एक घर भी है वहाँ पे बिजली गई। तो इस बार जो क्या कहते हैं वोट पड़े,
हम कहेंगे कि जो हमारी महिलाएं थीं, बहनें थीं, माताएं थीं, उन्होंने जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे वोट दिया, क्योंकि उनके घर में उनकी जो आंखें खराब हो जाती थी लकड़ी के धुएं और कंडे के धुएं से, उनको गैस मिल गई। मोबाइल चार्ज करने के लिए एक आदमी किसी भी अपर कास्ट के घर के सामने चार चार घंटे खड़ा रहता था, वो मोबाइल चार्ज नहीं कर पाता था। आज उसके घर में बिजली पहुंच गई और वो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। तो आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ नहीं पाते थे लालटेन में। तो इसकी वजह से जो विकास हुआ है सड़कों पे, जो जितना बड़ा विकास हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, सड़कों का जाल बिछ गया है। अगर हमारा समय बचता है सड़कों पे अच्छी सड़कों की वजह से, तो तब भी हम पैसा कमाते हैं। तो लोगों ने विकास देखा। तीसरा एक मुद्दा और आता है, तीन तलाक। तीन तलाक हमारी मुस्लिम आबादी, आधी आबादी को मोदी जी ने एक सपना दिया। उनका जो भी शोषण हो रहा था उस पर उन्होंने ध्यान दिया, और इतनी बड़ी जीत बिना मुस्लिम वोट के नहीं हो सकती थी। इस बार मोदी जी को धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के विकासवाद के नाम पे वोट मिला है, और इन सारी चीज़ों पे हमारे विपक्ष को ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग इस हमारे भारत से जीरो हो जाएंगे। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा सत्ता पार्टी से, और विपक्ष बहुत ज़रूरी है। विपक्ष को एक बार सोचना पड़ेगा, जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर हम विकासवाद की बात करें और मोदी जी से अच्छा विकास करें, तभी वो इस बार फिर से चुनकर आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार जी, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार से जो महागठबंधन हारा और मोदी मैजिक जो चला उसका कारण क्या था। ये कारण को बहुत ही सुगम तरीके से उन्होंने हमारे चैनल के साथ में साझा किया, बताया कि विकास जो मोदी मैजिक की नींव है, वो विकास पे अगर मोदी सरकार रहेगी स्थिर तभी आगे भी मोदी सरकार बनती रहेगी। और विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष होना बहुत जरूरी है, विपक्ष नहीं होगा तो विपक्ष किसी को ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकेगा, वो अपनी मनमानी करता रहेगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे आगे भी देखते रहेंगे, हम ऐसे मुद्दों के साथ में आपके सामने आते रहेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमित, HT News।